एवरीवन, वेलकम टू किचन एंड ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 समर ड्रिंक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाता है तो आप उनके लिए या तो पहले से बना के रख सकते हैं या जब वो आए तब भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, झटपट से बन के रेडी हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ग्रेप्स मजीटो। तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले ग्रेप्स, और इसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, पिसी हुई चीनी। इसके साथ आप चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें नींबू और साथ में पुदीने की पत्ती, और इसको पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा गिलास होता है जो, उसको डेकोरेट करेंगे। उसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा नमक और रेड चिली पाउडर, और इसको ऊपर से थोड़ा सा नींबू लगाएंगे और इस टाइप से इसको गिलास को अच्छे से हम सजा लेंगे। अब इसके बाद गिलास के अंदर डालेंगे हम लेमन के टुकड़े थोड़े से, साथ में आइस क्यूब्स। इसके बाद हम डाल देंगे जो हमने ग्राइंड किया है ग्रेप्स को। तो आप चाहें तो इसको छान के भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो बिना छाने भी डाल सकते हैं। दोनों में टेस्ट सेम आएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम स्प्राइट। तो यहाँ पे रेडी हो गया हमारा ग्रेप्स मजीटो। और सेकंड ड्रिंक है हमारी केसर पिस्ता ड्रिंक। ये आपको बना बनाया पैकेट जो है बाजार में मिल जाएगा, बस इसको आपको लाकर घर में बनाना है। इसके लिए हम लेंगे 1 लीटर दूध, 1 लीटर भी ले सकते हो, इससे थोड़ा कम भी ले सकते हो। बस इसके अंदर जो मिक्सचर होता है वो ऐड कीजिए। इसके साथ आपको कुछ भी ऐड नहीं करना और ना ही आपने इसमें कोई शुगर वगैरह ऐड करनी है। बस पैकेट को लाओ और दूध में इसको घोल के अच्छे से बना लो, और जैसे ही थोड़ा ये गाढ़ा हो जाए तो इसको फ्रिज में रख लो 2-3 घंटे के लिए। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको एक गिलास में डालो। तो आप कटोरी में भी डाल सकते हो, गिलास में भी डाल सकते हो, एज यू विश। तो यहाँ पे मैंने गिलास ले लिया और उसके अंदर डालूंगी मैं ये जो मैंने बनाया है। उसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी वनीला आइसक्रीम, तो और थोड़े से उसके ऊपर डाल दूंगी मैं चिया सीड्स। बस रेडी है हमारी कस्टर्ड ड्रिंक। तो केसर वाली बहुत ही टेस्टी लगती है। और नेक्स्ट ड्रिंक है हमारी ओरियो शेक, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके लिए ओरियो बिस्कुट के आप बड़े वाला पैकेट है तो एक, छोटा हो तो 2 पैकेट ले सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम, आप दोनों में से कोई सी भी एक आइसक्रीम यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर से मैंने डाल दिया हर्शिस मिल्क, और थोड़ा डाल देंगे इसमें दूध। और बस रेडी है हमारा। आप चाहें तो शुगर डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है डालें या ना डालें। तो उसके बाद ग्लास को हम डेकोरेट करेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा ओरियो शेक, जो कि हमने बनाया, बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और थोड़े से आइस क्यूब डालेंगे और ऊपर से थोड़ी सी आइसक्रीम हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बस रेडी हो गया हमारा यहाँ पर टेस्टी सा ओरियो शेक। इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत पसंद आता है बच्चों को, तो बहुत ही टेस्टी लगने वाला है ये। इसके बाद आती है हमारी सेकंड ड्रिंक, कस्टर्ड ड्रिंक बोलते हैं इसको। तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पे दूध ले लिया, 1 लीटर दूध ले लीजिए। उसमें कस्टर्ड पाउडर को घोल के, ठंडे वाले दूध में कस्टर्ड पाउडर को हमने घोलना है, और उसमें दूध में हम ऐड कर देंगे चीनी। यहाँ पे मैंने जो दूध लिया था वो पहले से बॉयल था। अगर आपका दूध बॉयल ना हो, कच्चा हो, तो उसको पहले आप बॉयल कर लें अच्छे से। उसके बाद उसमें कस्टर्ड का जो हमने मिक्सचर बनाया है वो ऐड कर दें, और थोड़े से उसमें वनीला एसेंस डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर उसको मैंने कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख दिया था रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद फ्रिज में रख देंगे अच्छे से ठंडा हो जाए। और उसके बाद मैंने बना लिया जेली और ये चिया सीड थे, जो कि मैंने पहले से ही गर्म पानी में भिगो के रखे हुए थे। यहाँ पे कस्टर्ड में मैंने इनको मिक्स कर लिया है, और इनको अब हम थोड़ी देर के लिए और फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पे जेली भी हमारी सेट हो गई है। और अब एक गिलास लेंगे और उसमें नीचे सबसे पहले डालेंगे हम जेली, स्ट्रॉबेरी जेली बनाई है मैंने यहाँ पर। उसके ऊपर से डालेंगे हमारी जो कस्टर्ड की ड्रिंक हमने रेडी की है, और इसमें डाल लेंगे हम ऊपर से भी थोड़ी सी जेली। तो बस रेडी हो गई हमारी कस्टर्ड की टेस्टी ड्रिंक। और इसके बाद बारी आती है कोल्ड कॉफ़ी की। ये तो सभी को पसंद होती है, अब मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने एक कटोरी में कॉफ़ी ले ली है, जितनी आप कॉफ़ी लो उससे डबल या ट्रिपल आपने चीनी लेनी है। उसके बाद एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें थोड़े से हम आइस क्यूब डालेंगे, और उसके बाद जो मैंने ये कॉफ़ी और शुगर को मिक्स किया उसमें डाल देंगे, और साथ में डालेंगे दूध, जितनी आपने कॉफ़ी बनानी है, और थोड़ा सा हम उसमें ऐड कर देंगे आइसक्रीम, वनीला या चॉकलेट जो भी आपको पसंद है, थोड़ा कोको पाउडर, और साथ में हर्शीज़। तो बस उसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हम एक गिलास लेंगे, उसमें सबसे पहले नीचे डालेंगे आइसक्रीम, और इसके बाद जो हमने कॉफ़ी बनाई है ठंडी ठंडी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, एक बार इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे हमारी टेस्टी सी मार्केट स्टाइल कॉफ़ी बन के बिल्कुल रेडी है। तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, और ऊपर से थोड़ा सा हम ग्लास को डेकोरेट कर लेंगे ताकि देखने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।